हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, जो हमारी मुहिम है कि ऑनलाइन जो लोग ठगी करते हैं उनको हम गिरफ्तार करवाएं और लोगों का पैसा लूटने से बचाएं, उनका लूटा हुआ पैसा भी वापस दिलवाएं। दोस्तों, इसके अंदर मीडिया ने भी काफ़ी अच्छा हम लोगों के साथ दिया है। और अमर उजाला ने एक खबर अब लगाई है कि ऑनलाइन खरीदारी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है और उनसे 20 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज सुबह सुबह ही मेरे सामने एक खबर सामने आई है, अमर उजाला की ये खबर है। आप साइड में भी देख पा रहे होंगे कि मैं ये स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा देता हूँ। ऑनलाइन खरीदारी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करते थे, 20 लाख रुपए बरामद इनसे कर लिए गए हैं। 8 कंप्यूटर भी इनसे बरामद किए हैं और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों की फोटो भी आपको दिख रही होगी। दोस्तों, ये एक गुड न्यूज़ है। ऑनलाइन खरीदारी जैसे NMM हुई, स्मार्ट पावर हुई, जो कि अपने को मशीन परचेस करने के लिए, प्रोडक्ट परचेस करने के लिए वहां पर कहते थे, जो कि प्रोडक्ट लोगों को नहीं दिया जाता था, वो उन वेबसाइट्स पर ही रहता था। और अब उन लोगों को गिरफ्तारियां होने लग गई है, उन लोगों तक पुलिस अब पहुंचने लग गई है जो लोग झांसा देकर लोगों को ठगने का काम किया करते थे। दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज थी इसलिए कल मैं तबीयत वीडियो नहीं बना पाया था। आज जैसे मेरे सामने एक खबर मेरे फ्रेंड ने मेरे को भेजी तो एक अच्छी खुशखबरी सामने आई है। अब ये कौन कौन सी वेबसाइट से चलाते थे, इनसे क्या क्या चीज़ें सामने आएगी, उसके लिए 2 से 4 दिन का दोस्तों इंतज़ार हम लोगों को करना होगा कि ये लोग कौन कौन सी वेबसाइट चलाते थे। NMM के भी इनके ऊपर हाथ हो सकता है, NMM ये चला सकते हैं, स्मार्ट पावर और भी कई अदर बहुत सारी वेबसाइटें चल रही है, उनसे भी इनका लिंक हो सकता है, जो कि इस तरह की खरीदारी वाली वेबसाइट बनाकर ये लोगों को ठगने का काम करते थे। अब ये लोग 4 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। आई होप जल्दी ही, हमें आशा है कि और भी लोग गिरफ्तार होंगे और जो हमारा पैसा है वो वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, क्योंकि लोगों का बहुत पैसा इन्होंने लूटा है। 20 लाख रुपये तो इनसे बरामद किए ही गए हैं। 20 लाख रुपए दोस्तों छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 20 लाख रुपए इनसे बरामद किए गए हैं। ना जाने कितने लोगों का पैसा इन्होंने खर्च कर दिया होगा या फिर इधर उधर खर्च कर दिया होगा, इधर उधर ट्रांसफर कर दिया होगा, तो उसकी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और दोस्तों, एक बात बता दूं, ये जो कार्रवाई की गई है, ये जो 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये थोड़े दिनों पहले गिरफ्तार किया है, 3 से 4 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं आज व्हाट्सएप चेक कर पाया मेरा। हरियाणा पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है और पलवल से इनको गिरफ्तार किया है। तो ये नेटवर्क दोस्तों हमारे इंडिया में रहकर ही कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। बाहर से भी लोगों का सपोर्ट है, लेकिन इंडिया के भी इसके अंदर कुछ लोग शामिल है। वहीं दोस्तों, एक बात मैंने ये भी कही थी कि हम हमारी मुहिम को शुरू करने के लिए, जारी रखने के लिए एक एडवोकेट का भी चयन करने वाले हैं। एडवोकेट भी हम रखने वाले हैं, अभी उसके ऊपर काम जारी है। यदि आपके पास में दोस्तों कोई अच्छा एडवोकेट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जो मेरा चैनल है उस पर आप जरूर ज्वाइन होइएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके बिल्कुल बता सकते हैं एडवोकेट के बारे में, जो कम फीस ले और थोड़ा सा अच्छा हो और अपना काम भी इजीली कर पाए। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों से कोई भी 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ और ये मुहिम जारी रख रहा हूँ, तो जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं करूँगा और एडवोकेट की फीस भी मैं खुद दूंगा। तो जितनी कम फीस में एडवोकेट अच्छा मिल सके तो आप मुझे वहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप अच्छा आप सभी को लग रहा होगा कि अब गिरफ्तारियां होने लग गई है, जल्द ही पैसा भी मिल जाएगा। यदि और कोई डाउट और कोई बात आपको मुझसे करनी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आपके राहुल को आप कर दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।